قدس کے لیے زوردار تعلیم دیں. مسیح یسوع کے قادر قدوس اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج ہم ایک خاص تہوار کے موقع پر خدا من کے حضور میں جمع ہیں. یہودی عید جس کو عید پینتیکوست کے طور پر منایا جاتا تھا, اسی کے موقع پر آج کا جو تہوار ہے اس کو ہم منا رہے ہیں. یہودی دستور میں جو خدا کا کلام انہیں ملا فصح کے 50ویں دن, پینتیکوست 50ویں دن کو ظاہر کرتا ہے. کئی دفعہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پینتیکوست کے تعلق سے اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم پینتیکوست کے ماننے والے ہیں, جب بہت خوش ہوتے ہیں کہنے لگتے ہیں 36 لاکھ ریاسی. 35 جو ہے یہ عدد کی بات ہو رہی ہے, لیکن 50ویں عدد کی بات ہو رہی ہے. اس کے معنی 50واں ہے اور ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے. صوفیہ اس بات کو بیان کر رہی تھی, ساتھ ساتھ ہمیں اویک کر رہی تھی, بتا رہی تھی, اور وہ بچی جو ہے اچھی اسٹڈی کر کے آئی ہوئی, اس نے میری کافی مدد کی ہے. یہ 50واں دن عید فصح کے 50ویں دن جو ہے عید پینتیکوست ہوتی, اور اسی کے لیے اس بات کو بھی جانا جاتا تھا کہ یہ فصل جمع کرنے کی عید ہے. جب جو کی فصل پک جاتی, ابھی تو شاید آپ لوگوں کو زیادہ علم نہ ہو, جو کی فصل بہت کم ہو گئی ہے. جو کی فصل جو ہے یہ گندم کی فصل سے پہلے پک جاتی ہے, اور جب یہ پک جاتی اس کی کٹائی کا دن جو شروع ہوتا, اس دن خدا کے لوگ بنی اسرائیل قوم ایک جشن کرتی تھی, ایک عید کرتی تھی. اس کو فصل جمع کرنے کی عید کہا جاتا تھا, اور اس عید کو جو عید پینتیکوست ہے اس کو جب ہم مسیحیت میں دیکھتے ہیں تو عید پینتیکوست کے دن جب وہ جو 120 لوگوں کی جماعت تھی, امال کی کتاب کے مطابق, کوئی ہسٹری بک سے بات نہیں کر رہا ہوں, 120 لوگوں کی یہ جماعت تھی, اور یہ عید پینتیکوست کے موقع پر خدا کی حضوری میں موجود ہیں. امال کی کتاب اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا, اور انہیں آگ کے شولوں کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی, اور ان پر ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. امال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں پینتیکوست کے موقع پر رسول پلس وہ سب جو
एक जमाइत की सूरत तैयार कर चुके हैं। पहले बाप को आप पढ़े तो आपको रूल कुदस की बाबत यीशु मसीह की तालीम समझ आएगी कि ये कुवत के लिए है, जोर के लिए है, ये शादमानी के लिए है, खुशी के लिए है। जब हम इन रूह के फलों पर गौर करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं पास्टर अरफान, मिसेज अरफान और सारी टीम क्वायर के नौजवान जिन्होंने इस चर्च को इस तरह से डेकोरेट किया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और इनके लिए तालियां बजाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मंजर जो है हमारे सामने है जिसमें रूह के फलों की बात की गई है, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, मेहरबानी, नेकी, तहम्मुल, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी। ये सब के सब रूह कुदस की कुदरत, कुवत और जोर के वसीला से हमारी जिंदगी में ये फल जो है वो देखे जाते हैं। लेकिन इस वक्त आज के दिन जो हम रूह के नजूल को देख रहे हैं, इस हिस्से को जो हमने पढ़ा है, इसमें रूह कुदस का नजूल है। अगर हम इस पर बात करें तो ये नहीं कह सकते कि पुराने अहद में कभी भी रूह कुदस जो है कभी किसी पर नहीं उतरा था, ये हरगिज ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज के दिन पेंटिकोस्ट के दिन रूह कुदस एक नए तजर्बे के साथ लोगों के सामने है। लोगों ने गैर जबाने बोलनी शुरू की है, रसूलों ने एक ऐसी जबान को बोलना शुरू किया है जो इनकी अपनी नहीं है, और रूह कुदस ने उन्हें कुव्वत दी है, जोर दी है। और जिस तरह से खुदा ने कर्म किया है उसने उसको बोलना शुरू कर दिया है। इसलिए आज के दिन को रूह के नजूल की ईद मसीही दुनिया में कहा जाता है। मसीही दुनिया में आज की दिन की जो अहमियत है वो ईदे जो है रूह कुदस का नजूर, इसको हम आज मना रहे हैं। क्योंकि ये पेंटिकोस से इसका गहरा तल्लुक है, इसलिए अक्सर हम ज्यादा जो है पेंटिकोस के हवाले से इस पर बात करते हैं। सो पेंटिकोस के मौके पर वो 120 लोग जो है वो बैठे हुए हैं और उन पर रूह कुदस का जोर के साथ नजूल होता है। पहले भी रूह कुदस लोगों की जिंदगियों में काम करता रहा और कर रहा है और करता रहेगा, मेरा ईमान है। लेकिन इस मौका पर कुछ नया तजर्बा ये है कि लोगों ने गैर जबाने बोलनी शुरू कर दी है, और जब इन्होंने गैर जबाने बोली है तो इसी दूसरे बाब को थोड़ा सा आप आगे बढ़कर पढ़े तो इसमें कुछ लोगों ने इन पर शिकवा किया है, इन पर इतराज किया है और कहा है कि ये तो शायद नशे की हालत में है। तब खुदा का बंदा पत्रस जो है वो खड़ा हुआ है और उसने लोगों को बताना शुरू किया कि ये योएल नबी के सहीफे में जो नबूवत की गई थी उसके मुताबिक है। और योएल नबी के सहीफे में ये वाज़े नबूवत की गई कि आखिरी दिनों में मैं अपने रूह कुदस को हर एक की जिंदगी में नाज़िल करूंगा। पहले बड़ा खास खास मौका और खास खास मौकों पर खास लोगों के साथ रूह कुदस काम करता हुआ नजर आता है, लेकिन योएल नबी के सहीफे के मुताबिक खुदा का फजल हर एक के लिए है,
और खुदा चाहता है कि हर एक शख्स जो है उसकी जिंदगी में रूह कुदस का काम हो। इसी सबब से आज हम अपने आप को फजल के दौर भी के लोग भी कहते हैं। सो रूह कुदस का नजूल हुआ, कुछ लोगों ने इतराज किया, पत्रस रसूल जो है उन्होंने इसी दूसरे बात को आगे बढ़े तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे ही नहीं है, ये तो नबूवत पूरी हुई है। और जब इस बात को लोगों ने समझा तो लिखा है 3000 मर्दों के करीब जो है लोग वो इनमें जा मिले, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। फसल जमा करने की पेंटिकोस्ट की फसल जमा करने की, इस तरह हम ये कह सकते हैं मसीही दुनिया में ये पहली फसल जमा करने की फसल जमा करने का मौका है। ये पहले पूले हैं, वो 3000 लोग जो हैं वो पहले फल हैं जो खुदा की नजर किए गए हैं। इसलिए ये ईद जो है ये फसल जमा करने की ईद इसको हम कहते हैं। इस मौका पर इस बात को भी हम जरूर समझें, मरकुस की इंजील उसके पहले बाब की 8वीं आयत में खुदा का बंदा यहूना जो है, यहूना इस्तबागी जो है वो इस बात को पेश करता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया लेकिन मेरे बाद जो आता है वो तुम्हें रूह कुदस से बपतिस्मा देगा। पहली बात पानी का बपतिस्मा, दूसरी बात रूह कुदस का बपतिस्मा। और यहूना इस्तबागी इस बात को बयान करते हैं कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें रूह कुदस से बपतिस्मा देगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पानी के बपतिस्मा के बाद हमें रूह कुदस के बपतिस्मे की भी जरूरत है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बपतिस्मा जो हर फर्दो बशर के लिए है, हर एक के लिए है, ये रूह कुदस का बपतिस्मा है। और इसको पाने की ख्वाहिश जब हमारी जिंदगी में होती है तो हम रूह कुदस को गैर जुबानों की सूरत में अपनी जबान पर लाते हैं और ये वो जबान है जिसमें हमारी अकल काम नहीं कर रही लेकिन रूह से हम खुदा की हुजूरी में दुआ करते हैं, क्रंथियों 14वें बाब के मुताबिक। सो ये बात इसको समझने की जरूरत है। आज का दिन जो है वो रूह के नजूल का दिन है और जो यूहन्ना इस्तबागी ने कहा था कि वो तुम्हें रूह कुदस से बपतिस्मा देगा, आज का दिन रूह के बपतिस्मे का दिन है। इस दिन रूह कुदस का बपतिस्मा जो है रसूलों और 120 लोग जो थे इनको खुदा उनके हुजूर से मिला है। जब हम बपतिस्मे पर बात कर रहे हैं, जब हम बपतिस्मे की बात कर रहे हैं तो इस बात को हमें जानने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है। पानी के बपतिस्मे के बाद यीशु मसीह की तरफ से हमें रूह का बपतिस्मा मिलता है। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि मैं और डिटेल जाऊं लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज वो लोग जो रूह के बपतिस्मे के मतलाशी हों उनको गैर जबानों की सूरत में खुदा की हजूरी से रूह कुदस का बपतिस्मा हो। बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा, इस पर मैं बात करूंगा। पानी के बपतिस्मा के मौका पर
चार बातों का होना बहुत जरूरी है। पहली बात, बपतिस्मा देने वाला मौजूद हो। आमीन, ठीक है। अगर बपतिस्मा देने वाला मौजूद ना हो, बपतिस्मा लेने वाला मौजूद हो, बपतिस्मा हो जाएगा? नहीं। चार बातें मैं जो है वो आपके सामने रखने को हूं। पहली बात, बपतिस्मा देने वाला मौजूद हो। दूसरी बात, बपतिस्मा लेने वाला मौजूद हो। तीसरी बात, कि जहां दिया जाना है वो जगह जो है वो मौजूद हो। अगर देने वाला और लेने वाला मौजूद है लेकिन वो मकाम वो जगह नहीं, तो क्या बपतिस्मा हो जाएगा? नहीं। इसलिए वो मकाम जहां उसे बपतिस्मा देना है, पानी जो है उसका होना बहुत जरूरी है। हौज की सूरत में, किसी नदी की सूरत में, समंदर की सूरत में, या किसी भी तरह से उस पानी को होना बहुत जरूरी है। चौथी बात, ये जरूरी है कि इस बात को समझा जाए कि बपतिस्मे का मकसद क्या है। चार बातें और चौथी बात कि बपतिस्मे का, पानी के बपतिस्मे का मकसद हम सब समझते हैं कि इससे हम कलीसिया में शरीक हो जाते हैं। अच्छा, ये गलती हो रही है। डिनोमिनेशनल लोग जो है वो इस, मैं कहूंगा कि गलती पर है कि वो जब भी बपतिस्मा देते हैं वो समझते हैं कि ये हमारी मिशन में शरीक हो गया, वो उसे अपनी मिशन में जानना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रोमन कैथोलिक डिनोमिनेशन किसी को बपतिस्मा देती है तो वो सर्टिफिकेट जो उसे मिलता है वो जो है ये रोमन कैथोलिक हो गया है, और ये जो है अगर कोई जो है मेथोडिस्ट चर्च देता है तो वो कहते हैं कि ये मेथोडिस्ट चर्च का हिस्सा है। और अगर कोई जो है शख्स जो है भाई मिशन का हो और जो है वो उसे बपतिस्मा देता है तो लोग समझते हैं भाई हो गया। लेकिन ये बात जरूरी है, बहुत अहम है, इसको समझे कि बपतिस्मा से हमारी मिशन नहीं बदलती, मिशन नहीं कोई बनती, बल्कि हम मसीह के बदन का हिस्सा बन जाते हैं। बपतिस्मा के वसीला से हम मसीह को पहन लेते हैं, और बपतिस्मा मसीह के साथ दफन होने का नाम है। और ये ग्रंथियों के खत के मुताबिक ये उसके बदन का हिस्सा बनने का नाम है, यानी कलीसिया में शामिल होने का नाम है। काश हम इस बात को समझे और इसी तरह से बपतिस्मे को अपनी जिंदगी में लें। मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं कि बपतिस्मे पर हमने बात की, चार जरूरी बातें जो है उन पर हमने गौर किया। इसी तरह से जब हम रूल कुदस के बपतिस्मे के मतलाशी होते हैं और चाहते हैं कि हमें रूल कुदस मिल जाए, तो चार बातों का होना बहुत जरूरी है। काबिले गौर बात है, इस पर जरूर ध्यान दीजिए और गौर के साथ सुनिए। पानी के बपतिस्मा के लिए हमें जरूरी है कि जो है बपतिस्मा देने वाला मौजूद हो। रूह कुदस के बपतिस्मा के लिए भी जरूरी है कि रूह कुदस का बपतिस्मा देने वाला मौजूद हो। अगर रूह कुदस का बपतिस्मा देने वाला मौजूद ना हो, क्या रूह कुदस का बपतिस्मा हो सकता है? हरगिज नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने ये कहा, यहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ, हूँगा नहीं, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, लेकिन हमने हूँगा पता नहीं क्यों रख लिया गया। हाँ जी, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ।
कितने लोग ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह यहां मौजूद है। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। जो पहली जरूरी बात है वो हो चुकी है, यीशु मसीह हमारे दरमियान मौजूद है। क्योंकि यूहन्ना स्नानबापतिस्मा कहते हैं कि वो तुम्हें रूह कुदस से बपतिस्मा देगा, जो मेरे बाद आने वाला है। उसके बाद आने वाला कौन है? यीशु मसीह। तो वो हमारे घर में मौजूद है, इसलिए हर कोई ईमान रखे और इस उम्मीद में मजबूत हो जाए कि मैं आज यकीनन रूह कुदस के बपतिस्मे को पाऊंगा। सब कह सकते हैं आमीन। दूसरी बात, रूह कुदस का बपतिस्मा पाने वाला मौजूद हो और उसके लिए जबूर की किताब में जबूर 42 में बड़ा जबरदस्त दर्श है कि वो तरसती जानों को शेर और अश्रु है। तरसती जाने, जरूरत ये है कि वो शख्स जिसने रूह कुदस का बपतिस्मा लेना है वो रूह कुदस के लिए उसके अंदर तड़प हो, ख्वाहिश हो और वो इसकी जरूरत को महसूस करे और कहे कि हां मैं इसको हासिल करना चाहता हूं। कितने लोग हैं जो आज रूह कुदस के बपतिस्मे के लिए तैयार हैं कि उनको हो जाए? आमीन। तो पहली बात, यीशु मसीह यहां मौजूद हैं। दूसरी बात, जिनको रूह कुदस के बपतिस्मे की जरूरत है वो लोग यहां मौजूद हैं। और तीसरी बात, पानी के बपतिस्मे पे के पानी का होना जरूरी है। और यहां इस तीसरी बात को मैं इस तरह कहूंगा कि रूह कुदस का होना जरूरी है। और मैं ईमान रखता हूं जहां यीशु मसीह है वहां रूह कुदस की जुंबश जोर के साथ होती है और जुंबश के साथ होती है। और उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं लेकिन तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं और वो मददगार जब आएगा तो तुम्हारे साथ दुनिया के आखिर तक रहेगा। इसलिए कितने लोग ईमान रखते हैं कि पाक रूह यहां मौजूद है, रूह कुदस की हजूरी मामूरी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अगली चौथी बात, बपतिस्मे का मकसद। उसमें हमने देखा कि पानी के बपतिस्मे का मकसद ये है कि हम कलीसिया में आलमगीर कलीसिया में शरीक हो जाते हैं। हम डिनोमिनेशनली तो जो बपतिस्मा है वो लोगों को एक डिनोमिनेशन का हिस्सा बनाता है, लेकिन हकीकी बपतिस्मा जो अंजीली ईमान में है वो जब लिया जाता है तो कोई भी शख्स आलमगीर कलीसिया का हिस्सा बन जाता है, उसके बदन का हिस्सा होता है। सब कह सकते हैं आमीन। अब ये पानी के बपतिस्मे का मकसद और चौथी रूह कुदस के बपतिस्मे का मकसद क्या है, यीशु मसीह ने इस पहले बाब में अमाल की किताब के शुरू में ये बातें हमारे सामने रखी। तुम कुवत पाओगे, तुम कुवत पा जाए पाओगे। ये कुवत का लबास है और रसूलों की जिंदगी में इस बात को देखा जाता है। यही खुदा का बंदा पत्रस जो है वो 3 बार इनकार करता है, कोई इतना प्रेशर भी नजर नहीं आता,
لیکن وہ مسیح کا انکار کرتا ہے جب روح القدس اس پر نازل ہوتا ہے مامور ہوتا ہے تو اسی ایمان کی کتاب کو تھوڑا سا آگے پڑھ کر دیکھیں جب انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور جو ہے یہ بڑی دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں مسیح کی مناتی سے کوئی شخص منع نہیں کر سکتا ان کو کہا جاتا ہے بار بار کہا جاتا ہے کہ یسوع کا نام لے کر تم نے مناتی نہیں کرنی لیکن یہ کہتے ہیں کہ یسوع کے نام کے بغیر ہماری منادی مکمل نہیں ہے اور یسوع کے نام کے بغیر کیسے معجزات ہوں گے کیسے لنگڑے چلیں گے کیسے اندھے دیکھیں گے کیسے لوگ قوت پائیں گے کیسے ہم جب جاتے ہیں تو لوگوں کے گھروں میں لوگ غیر زبانیں بولنی شروع کر دی ہیں یہ کیسے ہوگا ہم تو یسوع کے نام سے منادی کریں گے یہ پترس رسول اور دوسرے جو ہیں دلیر ہو گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پینٹیکوسٹ کے موقع پر جب وہ روح القدس سے مامور ہوئے ہیں تو ان کے اندر جو ہے قوت آئی ہے دلیری کی روح آئی ہے قوت کا لباس ملا ہے اب وہ بڑی قوت اور زور کے ساتھ یسوع کے لیے کام کر سکتے ہیں یہ روح القدس کے بپتسمے کا جو ہے مقصد ہے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں روح القدس کی طرف سے قوت ملے روح القدس کے زور میں وہ آگے بڑھے سو یہ مقصد آپ کی زندگی میں ہے چار باتیں اور چاروں کی چاریں یہاں ہمیں نظر آ رہی ہیں تو پھر کون ہمیں روح کے بپتسمے سے روک سکتا ہے کون روک سکتا ہے کوئی بھی نہیں ہرگز نہیں پھر ہمارا خیال ہمیں روح کے بپتسمے سے روک سکتا ہے جب میں شروع میں نے بپتسمہ لیا اور بھائی مشن میں شریک ہو گیا تو کچھ ٹائم کے بعد سسٹر ایلس کی ایک میٹنگ تھی چرچ میں مدر چرچ میں اور وہاں انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ روح کے بپتسمے کے متلاشی ہیں وہ رک جائیں لیکن میں یہ خیال کرتا تھا اور میرے دل میں تھا کہ نہیں نہیں یہ بھی ضرورت نہیں تھا میں انہی میں اور کیونکہ میں اس جماعت کا ایک ایکٹیو رکن تھا میں گیا نہیں ہوں بس یہ دیکھنے کے لیے آج ہوں تاکہ یہ ویکھ جائے گی میں وہاں رک گیا جب میں وہاں رک گیا سسٹر ایلس نے دعائیں کرنی شروع کی اور لوگوں نے غیر زبانیں بولنی شروع کی اور زور سے غیر زبانوں کا نزول جو ہے ہوا اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی طرف دیکھ کر میں لے بھی گیا وہ بھی پکڑیا گیا ہے میں اس جماعت میں وہاں موجود تھا سسٹر ایلس آپ سب کو جانتے ہیں کہ اردو تھوڑا بہت وہ کرتی ہیں وہ مجھے انہوں نے نوٹ کر لیا میرے پاس آئی کہنے لگی بھائی جی آپ بھی دعا کریں مجھے بڑے بڑھیا گیا نا بندہ پکڑا ہوا ہے اب میں نے دعا کرنی شروع کی اور میں نے دعا کی کہ اگر اے خداوند یہ واقعی حقیقی تجربہ ہے تو پھر میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں یہ ہو ہی جانا چاہیے میں نے یہ دعا کی اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی طرح میں بھی غیر زبانیں بول رہا تھا میں بھی غیر زبانوں میں خدا کی ستائش کر رہا تھا میں بھی غیر زبانوں میں خدا کی ہم کر رہا تھا اور ہوا یہ کہ شاید ایک یا دو لفظ دے جن کو میں بار بار دہرا رہا تھا اور زبان ایسے چل رہی تھی میں اپنے گھر کی طرف میں آ گیا سائیکل چلا رہے پھر بھی وہ دڑن ہو رہے اور پھر میں نے اپنے دل کو سخت کر دیا میں کہا نہیں یہ کیا ہوتا ہے ایک تو لفظ ہے نہ کوئی بات ہے اور میں اسے کہوں کہ یہ جو ہے خدا کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے میں نے اپنے دل کو سخت کیا اور کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن میں گھر سے جو ہے نا مجھے انہوں نے کہا سبزی لے آؤ تو شازمان میں
पास्टर साहब की मुसीबत पाछा गया तुसी बहुत गुस्से में था मेरा सीखने का तरीका भी बड़ा अजीब होता था और मैं जाके पादरी से बिगड़ गया जब कोई बच्चा छोटा होता है तो जुमले बोलने शुरू करते हैं जी यही सवाल जुमाइश पर जब कोई छोटा बच्चा होता है जब वो बोलना शुरू करता है तो जुमले बोलना शुरू करता है यानी आधे नफर बोलता है और उसने कहा कि आप रूह कुदस के बपतिस्मा में तजर्बा में आप करते और आपके लिए जरूरी है कि आप इसको धराएं और कहें तो अगले जुमले आएंगे जब आप इसी पे रुक जाते हैं तो फिर अगली कैसी बात होगी कुछ मेरी समझ में आना का ठीक है हमने दुआ करनी शुरू की और वो तजर्बा बढ़ता गया अभी मैंने पादरी साहब के साथ हाथ रख कर दुआ कर रहा हूँ और वो उसे जो है मसा की कुवत की जोर में ले रहा हूँ और जो है सब्जी देखो लगी लेकिन यह गल मेरी समझ आ गई तो आपको भी ये कहूंगा कि अगर कोई शख्स किसी को जब रूह के नज़ूल के मौका पर कोई खास लंबा चौड़ा तजर्बा नहीं होता तो आप इस ईमान में रहें कि ये हकीकी है दूसरी बात यह है कि गैर जबानी सिखाने से नहीं होती कई जगहों पर कई डिनोमिनेशन जो हैं उनमें गैर जबानी सिखाई जाती है कुछ लफ्ज दिए जाते हैं बोलते बस उन्हें हो जाएंगे हरगज नहीं मैं इस बात पे ईमान नहीं रखता मेरा ईमान है कि ये खुदा की तरफ से है और खुदा ही की हुजूरी से यीशु मसीह के फजल से होता है इसलिए सिखाने की जरूरत नहीं है फिर इस दूसरे बाब की इन जो बातों को है जो समझने की जरूरत है जो हम देखते हैं इस हवाले को दूसरे बाप को शुरू से मैं फिर से पढ़ रहा हूँ जब ईद पेंतेकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया तीसरी आय और उन्हें आग के शोलों की सी फटती हुई जमाने दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आठ उनमें से किस पर हर एक पर आकर ठहर गए और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जबानी बोलने लगे वो सब के सब रूह कुदस से भर गए और गैर जबानी बोलने लगे क्योंकि जिस तरह से रूह ने उन्हें कुव्वत दी है उन्होंने उसी तरह से बोलना शुरू किया हम किसी के सीखे सिखाए अमल में से नहीं गुजरेंगे ये याद रहे रूह कुदस हर एक को बोलने की ताकत देगा किसी एक को नहीं किसी खास को नहीं हर एक को जो सच्चे दिल से इस तजर्बे को अपनी जिंदगी में लेना चाहे उसके लिए मौका होगा और यकीनन यीशु मसीह यहाँ मौजूद है और यकीनन आप इस तजर्बे के लिए यहाँ मौजूद हैं और यकीनन रूह कुदस जिससे हमने फिल होना है बपतिस्मा पाना है वो यहाँ मौजूद है और यकीनन हम सबों का मकसद है कि हम रूह की कुव्वत में जोर पाए और अगर ये सब कुछ है तो फिर हर एक के लिए गैर जबानी है आमीन हर एक जो कबूल करेगा समझेगा उसके लिए है आइए हम अपने सब खुदा की हुजूरी में जाएं